नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का इलेक्शन। मैं हूं परवीन शेख। जी हां, आज पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा पहुंचे हैं और साथ ही फोनी तूफान से हुए नुकसान का वो जायजा लेंगे। 2 दिन पहले उड़ीसा में आया था फोनी तूफान, तूफान प्रभावित इलाकों का वो जायजा लेंगे, जिससे काफी नुकसान हुआ है, कई लोगों की जान चली गई। यहाँ पर ना सिर्फ आर्थिक सामाजिक हर तरह का नुकसान इससे हुआ है, उसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के दौरे पर हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, फोनी तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही उम्मीद की जा रही है, राज्य सरकार ये उम्मीद कर रही है कि कोई राहत पैकेज, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर फिलहाल वो जायजा लेंगे। लेकिन उड़ीसा में नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं उड़ीसा, फोनी तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उड़ीसा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के बूथ में यहाँ पर ग्रेनेड फेंका गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक ग्रेनेड फेंका गया है बूथ पर खड़े मतदाताओं में, इससे भगदड़ मच गई, काफी असंवेदनशील ये पूरा इलाका है। सुरक्षा बलों ने हालात जो है उस पर यहाँ पर नियंत्रण में लेने की कोशिश की है, लेकिन हालात फिलहाल घाटी में जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर यहाँ पर मतदान हो रहा है, लोकसभा चुनाव के दौरान ग्रेनेड फेंका गया है और एक तरह से यहाँ पर एक बार फिर आतंकवादी जो है वो यहाँ पर लोगों में डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले यहाँ पर जो 2 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें मत प्रतिशत 10% के करीब रहा था और एक तरह से ये कहा जा रहा था कि वहां पर लोगों ने चुनावों का बहिष्कार किया है। एक दिन पहले यहाँ पर घाटी में कई इलाकों में जो है वो पत्थरबाजी की गई है, हालात काफी चिंताजनक। जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग की टीम मौके पर पहुंची है। रऊफ वानी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। रऊफ, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज जो अनंतनाग लोकसभा निशस्त है, उसके तीसरे थे जैसे पुलवामा और शोपियां पे वोट डाले जा रहे थे। तो इलाका है पुलवामा और शोपियां, काफी हसास इलाका है, इसमें ज्यादा खतरा रहता है क्योंकि मिलिटेंट काफी इफेक्टेड एरिया है। यहाँ वहीं पे जो मिलिटेंट रहते हैं वो ज्यादातर इसी इलाके में रहते हैं और इसके चलते सिक्योरिटी के काफी सख्त अरेंजमेंट पहले से ही किए गए थे क्योंकि उधर ज्यादा खतरे हैं अटैक्स के। लेकिन उसके बावजूद आज सुबह जब पोलिंग शुरू हुई तो लोग पहले से ही बहुत कम संख्या में घरों से निकल रहे थे वोट करने के लिए। वही रोहामा पुलवामा एक जगह है जहाँ पे 2 पोलिंग बूथ रखे गए थे, जहाँ वहाँ पे मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड फेंका जो कि पोलिंग स्टेशन के फैन में फट गया, लेकिन उसकी वजह से किसी की नुकसान कोई खबर नहीं है। लेकिन फिलहाल इलाके में जो है वो लोग डरे हुए हैं, लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं वोट डालने के लिए। जी, इससे पहले रऊफ, यहाँ पर हम देखें जिन 2 क्षेत्रों पर वोटिंग हुई थी पिछले 4थे चरण में, वहां पर जो वोट परसेंटेज था वो काफी कम 10% हुआ है, तो क्या समझा जाए, लोगों ने यहाँ पर सीधे तौर पर चुनावों का बहिष्कार किया है या आतंकवादी यहाँ पर अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं इस तरह की हिंसा फैलाकर? दक्षिणी कश्मीर की अगर बात की जाए तो दक्षिणी कश्मीर मोस्ट मिलिटेंट अफेक्टेड एरिया माना जाता है क्योंकि चलिए रऊफ, हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, स्मृति ईरानी कुछ कह रही हैं, चलिए सुनते हैं क्या कह रही हैं। सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का आयुष्मान भारत कार्ड लेकर गया था। उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा था वो किसको वोट करेगा, वो व्यक्ति सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। उस व्यक्ति ने ना राहुल गांधी की खिलाफत की, ना नरेंद्र मोदी की जय जयकार की, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए उपचार चाहता था। और राहुल गांधी और उनकी टीम उस आदमी को मौत के घाट पर उतार चुकी है, ये हकीकत है राहुल गांधी की। लग रहा है ये इमोशनल कार्ड इस बार काम, ये इमोशन है राहुल गांधी का, ये इमोशन है राहुल गांधी का।
कि अगर आप मेरी राजनीति में मेरा साथ नहीं देंगे, अगर आप नरेंद्र मोदी का आयुष्मान भारत कार्ड दिखाएंगे तो मैं आपको मरने छोड़ दूंगा। ये इमोशन है। राहुल गांधी कल से चुप क्यों बैठे हैं? उनका जो हॉस्पिटल है उसके ट्रस्टी वो स्वयं है, उसमें मारा ना एक आदमी को। और अगर हिम्मत है, पत्रकारों से मेरी अपील है, जाकर उसके अनाथ बच्चे से मिलिए और जवाब मांगिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से। सांप लौट ना आने का बड़ा शौक था ना, डस लिया कल उस खानदान ने गरीब परिवार को, उनसे जवाब मांगिए। मायावती जी ने भी अपने वोटरों से अपील की और साथ में कहा सपा के भी जो वोटर हैं। मैं इतना ही कहूंगी, चाहे वो बसपा हो या सपा हो, सबने धोखा खाया इस खानदान से, सबने इस खानदान से अपमान सहा है। आज की ये लड़ाई अमेठी की गरीब नागरिक और राहुल गांधी के बीच की लड़ाई है। ये वो नागरिक है जिनमें से एक की हत्या राहुल गांधी ने की है, और राहुल गांधी को अगर जवाब नहीं देना तो एक दिन भगवान तो इंसाफ करेगा ही करेगा। यदि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी साथ ही अमेठी से यहां पर दूसरी बार राहुल गांधी को ललकारती हुई और एक बार फिर गांधी परिवार उनके निशाने पर। साफ तौर पर आपको बता दें कि अमेठी में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। 2014 की लड़ाई में भी ये जीतते जीतते हार गई थी, हार का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ है और चौथी बार संसद जाने के लिए राहुल गांधी अमेठी से मैदान में। इस बार राहुल गांधी दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, दक्षिण की वायनाड और उत्तर प्रदेश की अमेठी से वो मैदान में है। और यहां पर स्मृति ईरानी लगातार उन्हें चुनौती देती हुई और इस बार भी वो अपनी जीत का दावा भी कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने यहां पर निशाना साधा आप सुन सकते हैं, एक तेवर थे, काफी कड़े तेवर, और उनके निशाने पर फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार उन्हें ललकार रही थी। और यहां पर उन्होंने कई मुद्दे भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 15 साल से कहां थे राहुल, हिसाब दे। कई बार वो अपने बयानों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर इस तरह की बयानबाजी करती रही हैं, और प्रियंका गांधी भी उनके निशाने पर थी। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अमेठी में चुनाव प्रचार की कमान संभाली राहुल गांधी की अब्सेंट में, तो वो भी यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसका जवाब जनता देगी। जहां जब 23 मई को नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगा कि यहां पर किसको जनता ने अपना नुमाइंदा चुना है। लेकिन आज 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और अमेठी भी उनमें से एक है। और रायबरेली में भी आज वोटिंग हो रही है, जहां पर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और उनके मुकाबला जो है वो दिनेश प्रताप सिंह से है, बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस के बागी नेता थे जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सीधा सोनिया गांधी को वो चुनौती दे रहे हैं। सबसे ज्यादा यूपी की 14 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और इनमें दो सीटें यहां पर खासतौर से रायबरेली और अमेठी सीट है। वहीं लखनऊ में भी दिग्गज और गृहमंत्री राजनाथ सिंह की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। लखनऊ में भी आज वोटिंग है और लखनऊ में उनका मुकाबला गठबंधन की प्रत्याशी पूनम सिन्हा से है जो पहली बार चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन आचार्य हैं, वो भी मैदान में है। लखनऊ में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। बिहार की 5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 7, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 12, झारखंड की 4, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान जारी है। कई जगह से ईवीएम खराब होने की भी शिकायतें आई हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के हुगली और यहां पर एक दो जगह से और भी ईवीएम खराब होने की शिकायतें आई हैं। निर्वाचन आयोग जांच कर रहा है, ईवीएम बंद पड़े हैं, लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। और ये 5वां चरण है। आपको बता दें आज 5वें चरण में मतदान के साथ ही यहां पर 424 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। बचेंगी 118 सीटें जिन पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 12 मई और 19 मई को वोट डाले जाएंगे इन 118 सीटों पर और नतीजे जो हैं वो 23 मई को आएंगे। और धौरहरा की हम बात कर लें, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है धौरहरा, रेखा वर्मा यहां पर मैदान में है। धौरहरा से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की भी मुश्किलें यहां पर थोड़ी, यहां पर कहें राह जो है वो मुश्किल नजर आ रही है। मुकाबला यहां पर भी काफी दिलचस्प है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये सीट है धौरहरा, जहां से गठबंधन के अरशद अहमद सिद्दीकी हैं, तो वहीं रेखा वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो यहां पर ताल ठोक रही हैं। धौरहरा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जो है वो अपनी जीत का दावा करते रहे, आज यहां पर भी वोट डाले जा रहे हैं। ये वो सीटें हैं हम आपको बता रहे हैं जो 5वें दौर में जहां पर आज वोटिंग हो रही है। 51 सीटें, 51 सीटों में यहां पर मुकाबला दिलचस्प है। 2014 की अगर बात की जाए तो इन 51 सीटों पर में से 40 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और बाकी जो सीटें थी वो
अदर यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है उनके खाते में गई थी। ऐसे में बहुत कुछ दांव पर लगा है बीजेपी का, यानी कि एनडीए का, उनके लिए बड़ी चुनौती, खासतौर से उत्तर प्रदेश में यहाँ पर महागठबंधन उन्हें बड़ी चुनौती दे रहा है। वहीं राजस्थान में आज 12 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, चौथे चरण में यहाँ पर 13 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आज पांचवें चरण में वोटिंग के साथ ही राजस्थान में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। राजस्थान में भी सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है, और जिनमें से कई दिलचस्प, यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो जयपुर ग्रामीण से मैदान में हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट पर, और उन्हें भी ओलंपिक के खिलाड़ी कृष्णा पूनिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर टक्कर दे रही हैं। वहीं बीकानेर सीट की हम बात कर लेते हैं। बीकानेर सीट में भी अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले ही अपना वोट डाला है, वो बीकानेर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं। बीकानेर में भी मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन मौजूदा सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। अर्जुन मेघवाल अपना वोट डाल चुके हैं, और आज जो दिग्गज हैं जिन्होंने अपना वोट डाला, उनमें राजनाथ सिंह और मायावती अपना वोट डाल चुकी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह से जीत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। थोड़ा तेज बोलेगा सर। और ये जो जिस प्रकार से विपक्ष बोल रहा है कि ईवीएम गड़बड़ी रहती है, ये है, वो है, अपना इस तरह से बयान दिया करते हैं, तो क्या मानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होगा? चुनाव तो निष्पक्ष हो रहा है जी, ईवीएम का उससे कोई मतलब नहीं है जी। और ये ईवीएम हर बार जब हारने लगते हैं तो ईवीएम पर ही आरोप लगाते हैं और कुछ नहीं करते। राम मंदिर मुद्दा आपके इस एजेंडे में है? और ये ईवीएम हर बार जब हारने लगते हैं तो ईवीएम पर ही आरोप लगाते हैं और कुछ नहीं करते। राम मंदिर मुद्दा आपके इस एजेंडे में है, कितना लगता है कि आपकी सरकार आएगी और राम मंदिर पर इस पर कड़े कदम उठाएगी? कोर्ट के अंदर मामला है जी, लेकिन उम्मीद है राम मंदिर भी बनेगा। अयोध्या का मामला है, राम मंदिर भी बनेगा। तो ये आप देख रहे थे प्रवीण। और उस दृष्टि से कुछ नहीं कहूंगा, परंतु मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि लखनऊ की जनता बहुत ही विवेकशील, समझदार है, और वो अपने मताधिकार का बहुत विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करेगी और लखनऊ के विकास का मार्ग और भारत के सुदृढ़ता और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। सर, एक छोटा सा सवाल है। कल प्रधानमंत्री जी ने स्पीच में राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट दिया था, जिससे राहुल गांधी एंड कंपनी काफ़ी बौखला गई। राहुल गांधी ने चेतावनी भी दिया कि हिसाब बराबर, अब प्रधानमंत्री अपने कर्म का इंतजार करें, क्या कहें? देखिए, मैं कहूँगा कि यह एक तथ्य भी है, यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री कौन था जो सीधे भ्रष्टाचार को लेकर संदेह के घेरे में आए थे, तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक यथार्थ है, ये एक सत्य है, और इसको लेकर किसी भी प्रकार की बहुत प्रतिक्रिया कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। इसी बयान को लेकर सर कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात कह रहे हैं। तो मैंने तो आपसे कहा ना, भारत के इतिहास में पहली बार वो फोर्स का इशू था जब पहली बार सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर शक का घेरा आके कसा था। तो ये भी तो एक यथार्थ है ना, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ था सर। तो क्या इस तथ्य को नकारा जा सकता है? सर, जो माहौल इस समय चुनाव का चल रहा है, पिछली बार का दबाव आप लोगों पे है या उससे उम्मीद उससे आगे जाएगी? देखिए, मेरा ये कहना है कि पिछली बार आशा का चुनाव था, इस बार लोगों ने देख लिया है तो अब विश्वास का चुनाव है। थैंक यू सर। दिग्गज है जो अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, और इससे पहले यहाँ पर हमने राजनाथ सिंह को देखा था जो अपनी पूरी फैमिली के साथ, परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे। मायावती अपना वोट डाल चुकी हैं सुबह से, और हमारी भी आपसे गुजारिश है कि अपना वोट जरूर डालें। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि ये मौका आपको 5 साल के बाद ही मिलेगा जहां पर आप अपनी सरकार चुनते हैं, आप अपना नेता चुनते हैं। आज पांचवें चरण में 51 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, और इसके साथ ही 424 सीटों पर मतदान जो है वो संपन्न हो जाएगा। 118 सीटें हम बता दें आपको बचेंगी, जिन पर 2 चरणों में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि महागठबंधन और बीजेपी और कांग्रेस जो अपना यहां पर खोया जनाधार जो है उसे वापस दोबारा पाना चाहती है,
लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ जो दांव पर लगा है वो बीजेपी का है। बीजेपी पूरी तरह से अपना किला बचाना चाहती है, लेकिन इस पर महागठबंधन जो है वो जरूर सेंध लगाएगा और महागठबंधन कड़ी चुनौती यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, 80 लोकसभा सीटें, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जो है वो यहाँ पर दिल्ली तक जाता है, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाता है। और हमारे साथ दो मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, शिवम त्यागी बीजेपी के नेता हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर भावेश यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, इनसे हम इस चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। पांचवें चरण का ये दंगल है, पांचवें चरण का रण है, जहां पर 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मेरा पहला सवाल जो है वो शिवम त्यागी जी से है। बीजेपी का यहां पर बहुत कुछ दांव पर लगा है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, क्योंकि 51 सीटों में से 40 सीटें 2014 में आपने जीती थी, तो क्या लगता है वो इतिहास बीजेपी फिर दोहरा पाएगी या नहीं? देखिए प्रवीण जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 में जब हम इलेक्शन में आए थे तो हमने जनता को कुछ वादे किए थे जो हमने पूरे किए हैं, और जिस तरह से उस समय पे मोदी जी की लहर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 5 साल में जो हमने काम किया है, जनता को जो अपने प्रॉमिसेस फुलफिल किए हैं, इसके साथ साथ और भी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रही है वो बहुत ही मजबूत रही है। हमारी डिफेंस पॉलिसी बहुत अच्छी रही है, हमारी विदेश नीतियां बहुत अच्छी रही है, हमारे प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड मिले हैं अलग अलग देशों से। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और उसका हमें फायदा मिला है। जो परफॉर्मेंस हमारी 2014 में थी उससे बेहतर करके आएंगे हम इस बार जी। चलिए, तो आपने कह दिया कि 2014 से ज्यादा बेहतर यहाँ पर आप करेंगे, और यहाँ पर सपा से भी जो नेता हैं भावेश यादव जी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। भावेश, क्या लगता है, कितना सहमत आप शिवम की इस बात से? शिवम जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो जो कहें वो अलग बात है, लेकिन मैं एक बात तो, आज लोकतांत्रिक अपना देश है और जो वोटों का अधिकार जो सब जनता को मिला हुआ है उसका सबको जो है अधिकार उसका उपयोग करना चाहिए, और कोई भी सरकार का समर्थन या वो अगर समर्थन कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब तक वोट नहीं डालेंगे तब तक उसका समर्थन और विरोध जो है वो फर्जी है। जब तक वो उसका समर्थन विरोध वोटों से ही अपना करें और मतदान जरूर करें, मेरे कहने का मतलब ये है। अब मैं कहना चाहता हूँ, शिवम त्यागी जी कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरी उतरी है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2014 के घोषणा पत्र का अपना कोई वादा बता दीजिए कि हमने ये वादा किया था और ये वादा पूरा कर दिया है। चलिए, मैं इनसे एक चीज तो ये पूछता हूँ, और दूसरी चीज मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जो ये कह रहे थे कि विदेशी नीतियों पर या आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर, तो वो भी बता दीजिए किस तरीके की सुरक्षा की। 400 से ज्यादा जवान इस देश में इस सरकार में शहीद हो गए, आजादी के बाद से किसी भी सरकार में इतने जवान आज तक शहीद नहीं हुए। और जहां तक विदेश नीतियों की बात है, तो विदेश नीति किस, कौन सी विदेश नीति की बात कर रहे हैं? हमारे साथ हमें एक छोटा सा देश, हमारा पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका से तक हमारे साथ रिश्ते जो है इस सरकार में खराब हुए हैं, तो पता नहीं किस मुद्दों की बात कर रहे हैं। इनसे एक बार जरूर जवाब जरूर ले लेना कि ये आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर विदेश नीति पर किस तरीके से मजबूत बता रहे हैं। शिवम जवाब दें। प्रवीण जी, मेरे समाजवादी के मित्र को शायद इस चीज में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं आंतरिक सुरक्षा की बात करता हूं तो मैं उस चीज की बात करता हूं जिस तरह से आज आप दिल्ली और मुंबई और आसपास के सभी शहरों में आराम से घूम पाते हैं। अगर हम घाटी और नक्सलवाद से थोड़ा सा अलग हट जाएं तो आज इस देश की आंतरिक सुरक्षा को आप एक बेहतर परिणाम के तहत देखेंगे। जिस तरह से आए दिन ब्लास्ट होते थे, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या रोड, क्या भीड़ वाली जगह, आप खुद आम आदमी भी एक भीड़ वाली जगह में जाने से डरता था। आज वहां सुकून का माहौल है कि नहीं, मुझे पता है आप विपक्ष में है, विपक्ष का पूरा हक है, पूरा अधिकार है लोकतांत्रिक देश में आपको क्रिटिसाइज करने का, लेकिन जो चीजें हैं आपको वो माननी पड़ेगी। अब आ जाते हैं बाहरी सुरक्षा पर, बाहरी सुरक्षा पर आ जाते हैं। 26/11 के बाद और तमाम हमलों के बाद हमारी देश की सरकार का क्या स्टैंड रहता था 2014 से पहले, हमने वो भी देखा है। और इस 2014 के बाद वाली सरकार का जो स्टैंड रहता है, जिस तरह से हमने जवाब दिया है पाकिस्तान को, वो भी आपने देखा है। आपने तो मुझे जवाब दिया है सुरक्षा पर। शिवम जी, यहाँ पर हम बिल्कुल राष्ट्रवाद और हिंदुत्व आतंकवाद, आपको लगता है कि इस बार जो जमीनी मुद्दे हैं वो पीछे छूट गए हैं बीजेपी इन छद्म, मैं इसको इसलिए ऐसे राष्ट्रवाद कह रही हूँ कि कितना यूपी की राजनीति में इसका कितना यहाँ पर, क्या वाकई में मतदाता इसको लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर या आतंकवाद को लेकर आपको वोट देगा? देखिए, राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी के लिए। राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं, एक सच्चाई है, और राष्ट्रवाद को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब दूसरी पार्टियां एक ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर खड़ी हो जाती हैं जो ओपन फोरम पे ये कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो माफ कीजिए,
राष्ट्रवाद अपने आप ही आना एक नेचुरल चीज है। जब एक विपक्षी पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो 70 साल से इस देश में है, जब एक राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले व्यक्ति के साथ जाकर खड़ी हो जाती है, तो जाहिर बात है फिर हम उसका विरोध करेंगे ही। उससे जो उत्पन्न होता है राष्ट्रवाद, जाहिर सी बात है अपने देश को कौन प्यार नहीं करता, या अपने देश के खिलाफ अगर कोई नारे लगाएगा तो उसका साथ कौन देगा। आप विपक्षी हैं, आप मुद्दों पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सरकार का या प्रधानमंत्री का विरोध करते भड़का कर उसे वोट में तब्दील करना क्या लगता है? क्योंकि इस बार मैं यहाँ पर खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। आज जिन 14 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें से 12 सीटें 2014 में बीजेपी ने अपने नाम की थी, सिर्फ दो सीटें रायबरेली और अमेठी जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार महागठबंधन है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी एक साथ मैदान में है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर थोड़ा डर बीजेपी में जरूर है। बीजेपी यहां पर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जरूर अपनी जीत का दम भर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन यहां पर चुनौती दे रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, जहां तक महागठबंधन की बात है, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं, पिछली बार 14 में से 12 थी, इस बार आप अमेठी को भी ऐड करके 13 लेके चलिए, एक बात। दूसरी चीज महागठबंधन के बारे में सिर्फ ये है कि महागठबंधन का जो ये मेल है ना, ये बड़ा ही बेमेल है। दो पार्टियां जिनकी राजनीति की शुरुआत, या यूं कहिए जो एक दूसरे के खिलाफ लड़कर ही खड़ी हुई हैं, उनके जो नेता हैं वो अपना परिवार बचाने के लिए, अपना तख्तोताज बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो कार्यकर्ता जिसने एक दूसरे के खिलाफ पूरी जिंदगी लाठियां भांजी हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, इस देश की और इस प्रदेश की जनता समझती है। शिवम जी, यहाँ पर प्रतापगढ़ की रैली में जिस तरह से मायावती को साधने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप उसे मत भूलिए। क्या हम ये समझे कि ये चुनावों की बात की स्थिति थी, जिस तरह से मायावती को उन्होंने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अंदर खाने में यहाँ पर साठगांठ है और मायावती को धोखा दिया जा रहा है। मायावती का लेकर जो उनका रुख था वो काफी नरम वहां पर देखने को मिला, इसके क्या मायने निकाले जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनावी माहौल है, एक चीज बड़ी साफ है, जो मायावती जी को लेके प्रधानमंत्री जी का रुख रहा वो बड़ा साफ है कि जिस तरह की उनको कोई अपने, आप एक हर चीज को जज करते हैं, एक हर चीज को अपने नजरिए से देखते हैं। प्रधानमंत्री जी का और बीजेपी का ये नजरिया है कि ये जिस तरह से कांग्रेस की नीतियां हमेशा केंद्र में रही हैं, या जिस तरह से समाजवादी पार्टी का एक इतिहास रहा है पुराने समय में, जिस तरह से गुंडागर्दी चरम पर रही, और खुद मायावती जी की तो जान तक को खतरा था, जिस तरह से उनका इतिहास रहा है, उन तथ्यों पर प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही और मुझे लगता है बिल्कुल सही है। पोस्ट पोल अलायंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्लियर कट मेजोरिटी में आ रहे हैं, 22 प्लस बीजेपी कर रहे हैं, प्लस एनडीए 340 प्लस जा रहा है। जी, जवाब दें भावेश जी। गठबंधन के ऊपर उन लोगों को बिल्कुल भी बोलने का हक नहीं है जो लोग कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाते हैं और पत्थरबाजों से लेकर के देश की सुरक्षा पर समझौते करके 3 साल तक मलाई खाते हैं, और जब जनता उनसे वोट दे करके जब उनसे हिसाब मांगने का जब समय आता है तो मलाई खा करके वो चलते बनते हैं जब चुनाव का समय आता है, तो ऐसे लोगों को गठबंधन में तो बिल्कुल बोलने का हक नहीं है। बिहार के अंदर भी हमने देखा किस तरीके से नीतीश के डीएनए में कई बता रहे थे और उनके साथ सरकार बना करके चुनाव लड़ रहे हैं फिर से, और उत्तर प्रदेश के अंदर अनुप्रिया पटेल से लेकर ओम प्रकाश राजभर इनके जो साथी थे, किस तरीके से उन्होंने जो एक सरकार की एक एक उस पर निंदा की, लेकिन इन लोगों ने पैरों में उनके गिर गिर कर किस तरीके से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन लोगों को गठबंधन में बिल्कुल बोलने का हक नहीं है। अब मैं इनको बता देना चाहता हूं, ये जो कह रहे थे वादों की बात, उत्तर प्रदेश में वादे इन्होंने कितने पूरे किए हैं तो बता देना, राम मंदिर का क्या इनका वादा नहीं था, ये धारा 370 हटाने कश्मीर से, या गंगा सफाई को लेकर के, या उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी को लेकर के, या बुलेट ट्रेन को लेकर के, नोटबंदी के बाद इनकार नहीं किया जा सकता कि काम तो हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जितना हम जो तस्वीरें वहां से आ रही है, लोगों का जो कहना है वहां पर काम हुआ है, इससे इनकार नहीं किया, चाहे फिर उज्ज्वला योजना हो, एज गैस और बिजली, आप इससे इनकार नहीं कर सकते, काम किया है यूपी और ये शायद काम ही है, और अब काम बोलेगा, उसके जो नतीजे जब 23 मई को आएंगे तब साफ हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिली। लेकिन हाँ, यहाँ पर महागठबंधन बीजेपी को चुनौती दे रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैम, उज्ज्वला योजना की आप बात कर रही हैं, तो उज्ज्वला योजना के ही इनके सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 55% से अधिक जो सिलेंडर जो इन्होंने दिए थे वो आज भी खाली ही है, उन्हें जनता ने एक बार के बाद दोबारा से भरवाए नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। इन्होंने जो उसके रेट 800 के 900 कर दिए हैं, जहां पहले कांग्रेस छोड़ गई थी 400, वहां ये डबल पे इन्होंने किया है। तो यही मैं कहना चाहता हूं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे इनके शौचालय हो, 50% से ज्यादा लोग आज भी उसको यूज नहीं करते, इनके बहुत सारे जो खोखले जो इन्होंने, मतलब ज्यादातर इन्होंने जो ढिंढोरा पीटा है अपने, उसका इतना जमीन पर काम नहीं हुए हैं।
आप कह रहे हैं कि जमीन है, जवाब दें यहाँ पर शिवम। परवीन जी देखिए, मैं एक चीज बड़ी साफ चले त्यागी जी बता दिए कितने स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर बन गया। आपके जवाब पर आता हूँ। देखिए मैं, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, जो योजनाओं पर सवाल उठाते हैं ना, उनका सवाल उठाना जायज है। विपक्ष एक चीज है, लेकिन मैं आंकड़ों के आधार पर चलता हूँ। मुझे लगता है मेरे मित्र ये भूल गए कि जब सुबह 6 बजे उठ के सिलेंडर की लाइन में लगना पड़ता था और 12-12 बजे तक सिलेंडर नहीं मिलता था। एक चीज आप उज्ज्वला को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उसका दर्द नहीं समझ सकते। आप राजशाही वाले लोग हैं ना, एसी बस में निकलते हैं नॉमिनेशन फाइल करने जनता के बीच में, गर्मी में तो जाते नहीं हो, स्टेज पे एसी लगा लेते हो, जनता का तो फिक्र है नहीं। अब आपको उस दर्द का नहीं पता जो माँ गांव में बैठ के चूल्हे पर अपनी आंखें जलाकर रोटियां बनाती है। तो जाहिर बात है आप उज्ज्वला को क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि आपको उसका दर्द नहीं पता। दूसरी चीज, दूसरी चीज, बड़ी समस्या यही है, दूसरी जो आप बोल रहे थे मैं आपको की आशा करता हूं कि आप मुझे ना डिस्टर्ब करें। दूसरी चीज, आप जब क्रिटिसाइज करते हैं ना, आप कांग्रेस और बीजेपी को कंपेयर कीजिए कि सेंटर में किसकी सरकार ने क्या परफॉर्मेंस दी है। जब हम 2014 से पहले सड़क बनाते थे तो दिन में 11 किलोमीटर बनाते थे, आज हम 32 बनाते हैं। जाहिर सी बात है वो 32 किलोमीटर सड़क पे जो रोड़ी और बदरपुर डल रहा है वो ऊपर से तो आता नहीं है, है ना, उसमें मैनपावर भी लगती है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और ऑब्वियस है डेवलपमेंट जो है, जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। इसके अलावा आज आप निकल रहे हैं, आप यहां से बाहर निकलिए, आप स्टूडियो में बैठेंगे, ये पेरिफेरल कितने समय पहले बन जाना चाहिए था। त्यागी जी यहां पर मेरा ये भी है कि इन कामों का जिक्र बीजेपी नहीं कर रही है अपने, जब भी हम चुनावी मंचों पर देखते हैं तो वहां पर भी सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद, आतंकवाद, ये ज्यादा मुद्दे हावी रहते हैं बार बार, या तो फिर वो कांग्रेस पे काम के, यहाँ पर काम का जब जिक्र होता है, खुद अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि बताएं यहाँ पर कि क्या क्या काम किए गए हैं, काम नहीं गिनाए जा रहे हैं। हम किसी भी चुनाव प्रचार में देखते हैं यहाँ पर काम गिनाए ही नहीं जा रहे, काम के बेस पर ये चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है या तो बयानबाजी हो रही है या फिर यहाँ पर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और आतंकवाद जैसे मुद्दे ज्यादा उछाले जा रहे हैं। देखिए आपने 3-4 चीजें कही, मैं सिलसिलेवार तरह से आपको जवाब देते चलता हूं। आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक जिस दिन हुआ उससे नेक्स्ट डे सुबह उठ के अगर आप 8 बजे ट्विटर पर चिल्लाना शुरू कर देंगे कि वैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक का आप मुझे सबूत दीजिए, जाहिर सी बात है तो जनता में और नेताओं में एक जनरल और फौज में भी एक जनरल कंसेंसस बनेगा कि जिस तरह से ये लोग सबूत मांग रहे हैं, आप विपक्ष है, आप विरोध कीजिए सरकार का। अब सबूत कहां मांग रहे हैं, अब तो विपक्ष भी ये कह रहा है कि उसके शासन काल में भी 6-6 सर्जिकल स्ट्राइक, अगर उन्होंने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो मुझे नहीं लगता इस देश में इतना बड़ा मीडिया है और उसके साथ साथ खुद सरकार अब तक आकर अपने आंकड़े बता चुकी होती। लेकिन क्या है, पहले कहते हैं ऐसा कोई एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि डिफेंस पर इन्होंने कितना काम किया है देश जानता है, शुरुआत से इनका इतिहास ही बताने वाला रहा। जरूर जरूर इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जी हम बात कर रहे हैं पांचवें चरण की, जहां पर 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से, जहां पर 14 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं राजस्थान की 12 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 7 और मध्य प्रदेश की 7, बिहार की 5, झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग जारी है। कई जगह से ईवीएम खराब होने की भी शिकायतें आई हैं और इससे जुड़ी जो भी खबरें हैं, पल पल की जानकारी है, वो हम आपको देते रहेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में एक जगह बूथ पर यहां पर ग्रेनेड फेंका गया है, वहां पर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जिससे मतदाताओं में थोड़ा डर और भय पैदा हो, लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है और 7वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव जो है वो अपने अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं। 5वें चरण की आज वोटिंग है, इसके साथ ही 424 सीटों पर मतदान जो है वो संपन्न हो जाएगा और 2 चरणों में बाकी बची 118 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वो होंगे 12 मई और 19 मई को और 23 मई को नतीजे सबके सामने होंगे और पता चल जाएगा कि यहां पर किसने, यहां पर लोगों ने किसको अपना प्रधानमंत्री चुना है और किसका हुआ है राष्ट्रतिलक। और इन्हीं 51 सीटों पर जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, हमारे साथ चर्चा पर मेहमान जो है स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहां पर बीजेपी के शिवम त्यागी हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से यहां पर भावेश यादव हैं और हमारे साथ प्रियंका यादव राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गई है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहां पर शिवम से हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रवाद,
एयर स्ट्राइक का जो जिक्र हो रहा है, इसको लेकर जो बयान आ रहे हैं, क्योंकि इस बार के चुनावों में जिस तरह से नेताओं की जुबान फुसली है, जिस तरह के बयान आए हैं, तो ये लगता है कि जहां पर जिस तरह से कहा जाता है कि जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, बीजेपी आजकल वही कुछ कर रही है, क्योंकि अब यहां पर इन चुनावों में जो नहीं है उनको भी घसीटा गया। जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और यहां पर भारत रत्न से जिन्हें नवाजा गया, उन पर भी, उन्हें भी इन चुनावों में घसीट लिया गया है। और ये किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शिवम, क्या कहेंगे इसको लेकर? परवीन जी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस देश के पहले वो प्रधानमंत्री हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस लगे बोफोर्स घोटाले में। तो अगर इस तथ्य को सामने लाया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता इस चीज में कोई गलत बात है। लेकिन शिवम जी, यहां पर जो मौजूद ही नहीं है तो उस पर इस तरह के लांछन या इस तरह के, क्योंकि आपने देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो उन पर आरोप लगाए गए थे वो आपके ही सरकार के टाइम पे, जब आपका ही यहां पर सरकार थी, आपका ही शासन था, उस वक्त उन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया था, वो सब निराधार और वो बेकसूर और निर्दोष साबित हुए थे सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी। जी, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं कि उनको वो निर्दोष साबित नहीं हुए थे, और जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्लियरेंस किया है तो सरकार किसकी है उस बात से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है और जो कही गई है वो सिर्फ इस चीज की कि करप्शन जो है और करप्शन के चार्जेस जो है वो अपने आजाद भारत में पहले वो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी जिन पर लगे थे। और रही बात, आपने जैसा कि कहा कि जो अभी है ही नहीं, इमोशनल कंटेंट पे मैं कह सकता हूं कि किसी को ठेस पहुंची हो, लेकिन यह भी एक तथ्य है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता या उसको कोई भी मना नहीं कर सकता। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर बीजेपी की एक हताशा दर्शाता है? कहीं ना कहीं अंदर से एक हताशा है जो नहीं है उनको घसीटा। चलिए, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इस वक्त यहां पर वोट परसेंटेज आ गया है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो ये बिहार में सुबह 9 बजे तक 7% वोटिंग हो चुकी है। जी हाँ, बिहार की 5 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें सीतामढ़ी और ये वो सीटें शामिल हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर गठबंधन की तरफ से सीधी टक्कर बीजेपी को मिल रही है। वहीं 9 बजे तक उत्तर प्रदेश में भी 4% से ज्यादा मतदान हुआ है, और राजस्थान में जहाँ सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है वो 13% से ज्यादा है। बिहार में 9 बजे तक 7% मतदान हो चुका है, सीतामढ़ी में 5%, मधुबनी में 2.5%, मुजफ्फरपुर में भी यहां पर वोट परसेंटेज बढ़ा है इस बार, पश्चिम बंगाल में अभी तक 4.80%, यूपी में 9 बजे तक 4.11% मतदान हुआ है, राजस्थान में 13.34% मतदान हो चुका है। ये वोट परसेंटेज जो आ रहा है वो सिर्फ 9 बजे तक का है। हम आपको बता दें बिहार में 9 बजे तक जो वोट परसेंटेज है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो धीरे धीरे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं, और महिलाओं की तादाद ज्यादा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने ट्विटर हैंडल पर यह अपील कर चुके हैं कि आएं और अपना वोट जरूर डालें, और युवा कैडर से उन्होंने खासतौर से यह अपील की है, आह्वान किया है कि आप लोग इस बार रिकॉर्ड स्तर पर अपना मतदान दें, अपना वोट डालें। युवाओं से उनकी अपील थी, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपना वोट जरूर डालें, आपका एक एक वोट बहुत ही कीमती है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। आपको ये मौका फिर 5 साल के बाद ही मिलेगा, जहां पर आप अपना नेता चुनते हैं, आप अपनी सरकार चुनते हैं। पांचवें चरण में, यहां पर अंतिम दौर में अब चुनाव पहुंचने जा रहा है, 2 चरणों में अभी मतदान होना बाकी है, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि 5वें चरण की 51 सीटों के लिए देश भर में वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, और उत्तर प्रदेश से ही सत्ता का रास्ता निकलता है जो दिल्ली तक पहुंचता है। ऐसे में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां भी की हैं, और बीजेपी एक बार फिर वही इतिहास दोहराना चाहती है। और हमारे साथ गेस्ट जो हैं वो बने हुए मेहमान स्टूडियो में, एक बार फिर शिवम का हम यहाँ पर रुक करेंगे। शिवम, हमने जिस तरह से कहा, क्या आपको नहीं लगता जो ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है उन्हें नहीं देना चाहिए था, और ये एक तरह की हताशा को दर्शाता है? देखिए, हताशा तो बीजेपी में बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह से आंकड़े रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की रैली और उन रैलियों में जन सैलाब रहा है। जहां तक बात है प्रधानमंत्री जी के इस बयान की, इस देश में अगर कोई प्रधानमंत्री है आजाद भारत में और उसको सबसे ज्यादा गालियां अगर दी गई हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनको क्या क्या नहीं कहा गया, अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट हुआ था जिसमें राष्ट्रीय सम्मान को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी जी को शी जिनपिंग के सामने माफी मांगते हुए करीब 1.5 मिनट का वीडियो चला, और नीच से लेके चाय वाले से लेके उनके माता जी से लेके उनकी धर्मपत्नी तक
कोई ऐसा रिमार्क उनकी पर्सनल लाइफ पर नहीं है जो नहीं किया गया हो विपक्षी पार्टियों से। तो हाँ, आज अगर अपने ऊपर कोई बात आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि आपको उन इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने एक ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा सेट किया हुआ है जिस तरह से आपने उनको पर्सनल रिमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें, वो एक गरिमापूर्ण एक ऐसे पद पर आसीन है जहां पर इस तरह की उम्मीद और इस तरह के बयानों की हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनका व्यक्तित्व रहा है इस तरह, क्योंकि अब तक के हम चुनाव देखते हैं वो यहां पर इस तरह की बयानबाजी उन्होंने नहीं की, लेकिन अचानक से वो आते हैं और यहां पर उनके पिताजी या पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को वो अपने बयानों में अपने चुनावी मंचों पर अगर लेकर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक डर एक भय को जरूर दर्शाता है, अगर इसके राजनीतिक मायने निकाले जाए। देखिए, राजनीतिक भय तो बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह से जनता का मूड है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अभी तक का वोटिंग आप परसेंटेज देख लीजिए, उसके अलावा जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ है, बाकी अगर कंपैरेटिवली आप और लोगों को देखें और अगर जनता में उनके खिलाफ कोई मैंडेट देने का कोई सिचुएशन होता या कोई ऐसी सिचुएशन बनती तो उसमें मुझे नहीं लगता आपको महागठबंधन करने की जरूरत थी और सिर्फ एक नारा देना पड़ता कि भाई देश खतरे में है। देश खतरे में अब नहीं है, देश खतरे में तब था जब इस देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, देश खतरे में जब था जब इस देश के पहले प्रधानमंत्री पे करप्शन चार्जेस लगे थे, और देश खतरे में जब था जब इस आजाद भारत में पहली बार इंदिरा गांधी जी को इलेक्टोरल डिसफंक्शनिंग की वजह से हाईकोर्ट इलाहाबाद जाना पड़ा था। ये नहीं कह सकते कि उस सरकार में ये हुआ है तो हम भी यही करेंगे, वो कर नहीं रहे हैं। लेकिन आप उसे जी बिल्कुल जो बीत गया उसको बार बार लाना, और मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ पांच साल की बात आप याद रखेंगे, 2014 तक आपकी मेमोरी शार्प है। पहले तो शिवम जी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो कटाक्ष, तो मैं एक बार और बताना एक बात इनको बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी थे तो दूसरे दलों को भी शराब अफीम जैसे शब्दों से इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक अपमान की बात है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो उत्तर प्रदेश के अंदर चार चार बार सरकार बना चुकी है, जनता ने चार चार बार चुना है उन्हें, उनको शराब जैसे शब्दों से इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक अपमान की बात है। जहां तक भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे तो इन्हें भ्रष्टाचार में कम से कम पिछली सरकारों में जांच तो होती थी, इस सरकार में तो आप बताइए जब से आपकी सरकार बनी है व्यापम में कोई भी छापेमारी हुई हो या राफेल पे कोई भी जांच का आदेश दिया गया हो, या आप राफेल को छोड़ दीजिए, आप जो विजय माल्य विदेश में भागे तो उन्होंने सीधे सीधे कहा था मैं अरुण जेटली से मिलकर आऊं, क्या अरुण जेटली से आपने पूछताछ की, जांच हुई उसमें, तो इस सरकार में तो जांच ही नहीं होती तो भ्रष्टाचार खुलेगा कहां से। और मैं आपको बता देना चाहता हूं जो लोकतंत्र की बात कर रहे थे बचाने की बात कर रहे थे, तो इस सरकार के अंदर जितनी सरकारी संस्थाएं हमारी, चाहे वो रात के 12 बजे 1 बजे डायरेक्टर को बदलने का सीबीआई के डायरेक्टर को बदलने काम हुआ हो, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा था लोकतंत्र खतरे में, आरबीआई के डायरेक्टर इसलिए इस्तीफा देता है क्योंकि उससे झूठ कहलवाते हैं कि बताओ अर्थव्यवस्था अच्छी है, जब अर्थव्यवस्था है नहीं अच्छी तो कहां से बता दे, वो बोलता इस्तीफा देकर के भाग गया। तो इस सरकार में जितनी सरकारी संस्थाओं पर हमला हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ। यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका यादव भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी है। प्रियंका, आप कैसे देखती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को जो उन्होंने राजीव गांधी को अपने इस चुनावी मंच पर वो लेकर आए और यहाँ पर सीधा निशाना उन्होंने ना सिर्फ कांग्रेस जो इस दुनिया में है ही नहीं उस पर इस तरह के कटाक्ष करना, इस तरह का बयान देना क्या दर्शाता है? ये एक तरीके से डिटोरिएटिंग लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स दिखा रहा है बेसिकली आज के दौर में। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं इस तरीके से बोल रहे, आज आप देखेंगे तो हमारे पॉलिटिक्स का जो लैंग्वेज है वो अपने आप में उसका स्तर गिरता चला जा रहा है। चाहे बुआ बबुआ इस तरीके के स्टेटमेंट, चाहे राजीव गांधी को यहां पर लेकर आना हो, चाहे चाहे आप औरतों के ऊपर कोई किसी तरीके का एक रिमार्क देना हो, ये एक तरीके का ट्रेंड बन चुका है आज पॉलिटिक्स में कि आप जो आपने बात कही इससे जब हमने शो शुरू किया था कि भाई पॉलिटिक्स में हर चीज आप करेंगे, ये एक जंग का मैदान बन चुका है जहां पे आप हर तरह का आन मतलब साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाया जा रहा है किसी भी तरीके से वोट को लेने के लिए या पावर में आने के लिए। हम अपनी सीमाओं को भूल चुके हैं, हम अपने दायरों को भूल चुके हैं और उससे उसको भूलकर हम सिर्फ ये मद्देनजर रखते हैं कि हमें किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स सॉरी पावर को लेना है और हमें बस एक वोट बैंक बनाना है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बोल रही हूं। क्या इन बयानों से जब इस तरह के बयान आते हैं मतदाताओं की भावनाओं को भड़काया जाता है, क्या वाकई में ये वोट में तब्दील होगा? इसका 50% चांस होता है कि ये वोट में तब्दील हो पाता है या नहीं, ये तो स्टेटिस्टिक्स बता पाते हैं, बट जी लेकिन कई मैं बोलूंगी कि बहुत सारे लेवल पे ये मतदाताओं को सेंटिमेंट्स को हर्ट जरूर करता है, एक रूमर जरूर क्रिएट करता है, एक गलत फहमी का माहौल जरूर क्रिएट करता है हमारे मतदाताओं में, एक कंफ्यूजन एक टेंशन की
भाई ये किस तरीके का हमारा प्रधानमंत्री आज उतने बड़े गद्दी पे बैठ के इस तरीके का स्टेटमेंट हमें किस तरीके से दे रहा है, इस तरीके की जबान, इस तरीके का, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कैसे कर रहा है हमारा नेता, किस तरीके की किस तरीके का है आज? तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है आपसे, आप तो बहुत नजदीकी से बारीकी से इसका विश्लेषण कर रही हैं इस बार के चुनावों को, तो 2019 का चुनाव कितने किन किन मायनों में काफी अलग आप देखती हैं? मैं बिल्कुल अलग देखती हूँ। सबसे पहली बात, हमारे पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो एक जो हमारा एक रिटोरिक चलता आया कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स नहीं है, या हमारे पास एक पार्टी नहीं है, हमारे पास एक बीजेपी को छोड़ के या हम से कोई बीजेपी से ज्यादा कोई स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है। जिस तरीके का हमने पूरा टेन्योर देखा बीजेपी का जी, उसको अगर हम लोग मद्देनजर रख रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा रिटोरिकल टेन्योर बना, जहां पे बहुत सारे जुमलेबाजी हुई, बहुत सारी शब्दों के ताने बाने कसे गए, बहुत सारा हवाई भी बनाया गया, जबकि हम स्टैटिस्टिक देखते थे तो उसका बिल्कुल कॉन्ट्ररी हो गया। जैसे एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट बोला गया कि भाई जॉब्स जॉब्स जॉब्स, लेकिन जब हमने एनएसएसओ का रिकॉर्ड देखा तो हम लोगों को बस उसके आंकड़े हमें बिल्कुल ही एक अलग पिक्चर दिखाते हैं। तो जब इस तरीके की रियलिटी हमारे सामने आई तो एक बहुत ही इंटेंस एटमॉस्फेयर जरूर क्रिएट हो गया है। ये इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है बहुत सारे पर्सपेक्टिव से, चाहे आप कम्युनल टेंशंस देखें, चाहे आप गिरते हुए एम्प्लॉयमेंट का स्तर देखें, चाहे आप इस समय बेरोजगारी देखें, हंगर देखें, तो ये सब चीजों को एक बहुत ज्यादा जरूरत इस समय हमारे देश को एक पावरफुल स्ट्रांग लीडरशिप की है, जो कि ना ही जुमलेबाजी करे बल्कि आए आगे और काम में अपने काम बोलेगा तो देश आगे बढ़ेगा, इसकी जरूरत है। शिवम जी जवाब दें आप प्रियंका की इस बात का। देखिए प्रियंका जी ने जो कहा मैं उसका सम्मान करता हूँ, वो एक विश्लेषक हैं और उनकी अपनी एक राय है, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि जब कम्युनल टेंशंस की आप बात करते हैं, ये इस देश की विडंबना है कि लोग ना स्टैटिस्टिक्स में कम जाते हैं जहां पर वो कंफर्टेबल नहीं होते। पिछले 2 साल में इस उत्तर प्रदेश में आप एक दंगा बता दीजिए, अब कम्युनल की बात करते हैं ना जी, मैं अपनी बात कर लेता हूं फिर उसके बाद आप जवाब दीजिए। सहारनपुर में संघर्ष हुआ था, जाति संघर्ष हुआ था। इस देश में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कम्युनल टेंशन उसे कहते हैं जब आप दिल्ली में 3,000 सिखों का कत्लेआम कर देते हो, एक 2 साल के बच्चे के गले में टायर डाल के उसको वहीं जला देते हो। कम्युनल टेंशन उसे कहते हैं जब 79 में आप कश्मीरी पंडितों को वहां से बिल्कुल इवैक्यूएट कर देते हो, खत्म कर देते हो। लेकिन मैं ये कहती हूं कि कब्रिस्तान जैसे शब्द अपने स्पीच में देना, कब्रिस्तान इस तरीके की स्पीचेस दे अपने इस तरीके के शब्द अपने स्पीच में देना जो कि किसी भी रिलीजियस ग्रुप के सेंटिमेंट्स को इवोक करती है या उनको हर्ट करती आप है। एक चीज बताइए, आप सिर्फ आपको चिंगारी देना है कब्रिस्तान से। जो आप स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप की बात करते हैं, क्या आप सिर्फ उसी को देख पाते हैं? जब मायावती जी ओपनली ओपन फोरम में लाखों लोगों के बीच में खड़े होकर एक महिला होने के बावजूद ये कहती है कि मुसलमानों का वोट नहीं बटना चाहिए, आप उसको गलत जी। चलिए चलिए राजनाथ सिंह कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। अभी यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा भी प्रचार कर रहे थे, हालांकि कांग्रेस से सभी करना चाहिए, सब करें, उसमें हम किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र में सभी अपनी अपनी बात रख सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं। ओवरऑल राजनाथ सर कैसे देखते हैं देश भर में? टू थर्ड मेजोरिटी से एनडीए की सरकार बनेगी। बीजेपी को तो पिछली बार जितनी सीटें प्राप्त हुई थी उससे बहुत अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी, क्योंकि इस बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जन सामान्य का भरोसा और विश्वास 2014 की तुलना में बड़ा है। कांग्रेस सर आखिरी सवाल, कांग्रेस स्पष्ट रूप से पीसी करके कह रही है कि बीजेपी और एनडीए की हार हो रही है, उनकी सरकार बने इतना वो तो बराबर जो है इसी प्रकार के वो सोचते हैं क्या चुनाव हो रहा है, हम कुछ कुछ ऐसा मैसेज दें, लेकिन जनता हकीकत को जानती है। राजनीतिक दृष्टि से हमारे देश की जनता काफी जागरूक हो चुकी है, कौन क्या बोलता है, बोलने में कितनी गंभीरता है। कुछ मैसेज सर, आज आम लोगों के लिए आज पोलिंग डे है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर सभी मतदान निश्चित रूप से करें
और दूसरों से भी आग्रह करें कि वो निश्चित रूप से मतदान करें। पूनम सिन्हा जी को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, किसी के बारे में मैंने आज तक कभी किसी के बारे में कहा ही नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कि चुनाव जो होता है ये व्यक्तियों की लड़ाई नहीं होती है। ये तो सचमुच नीतिगत मुद्दों पर ही चुनाव होना चाहिए और उसी रूप में मैं चुनाव को लेता हूँ। राजनाथ सिंह, आपको बता दें लखनऊ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, दूसरी बार लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव जो है वो नीतियों पर लड़ा जाना चाहिए। वरिष्ठ नेताओं में शामिल है राजनाथ सिंह और यहां पर काफी करीब भी माने जाते हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के, और उससे पहले वो अटल अडवाणी के भी काफी नजदीक थे। गृह मंत्रालय उनको दिया गया है, गृहमंत्री हैं देश के, लेकिन दूसरी बार लखनऊ से चुनाव भी लड़े हैं। उनका मुकाबला गठबंधन की प्रत्याशी पूनम सिन्हा से है, तो वहीं कांग्रेस के कृष्णम प्रमोद जो हैं वो आचार्य हैं, जो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपनी जीत का दावा किया, उन्होंने कहा कि एनडीए जीत रहा है 2/3 बहुमत से, और पिछले 2014 के जो आंकड़े आए थे, जो सीटें मिली थी, उससे ज्यादा सीटें इस बार एनडीए जीतेगा। अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त, और बहुत ही उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी स्टेटमेंट पे नहीं बोलता, किसी व्यक्ति पर, उन्होंने साफ कहा। और इस तरह के पूरे चुनावों में हम देखें तो राजनाथ सिंह की तरफ से इस तरह के कोई स्टेटमेंट नहीं आए हैं। We'll be right back.